इस खबर के प्रायोजक हैं होटल 7B, नगांव रोड, छतरपुर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करे उसके पहले नेता भगवान को मनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और भोलेनाथ के दर पर पहुंच रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महाराजपुर विधानसभा से प्रत्याशी की दावेदारी कर रही निधि सत्य चतुर्वेदी को जो खजुराहो पहुंची हुई हैं और मतंगेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर रही हैं। उनका यह अभिषेक आप देखिए कि किस तरीके से अभिषेक चल रहा है और यहाँ पे भोलेनाथ को मनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि भोलेनाथ प्रसन्न हो और आगामी जब कांग्रेस पहली सूची जारी करे और उसमें उनका नाम शामिल हो जाए, तमाम चीज़ों को लेकर लगातार भोलेनाथ को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे ही कई प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर यहाँ भोलेनाथ को मना रहे हैं और नेताओं का यही उद्देश्य है कि जब सूची जारी हो कांग्रेस की तो हमारा नाम शामिल हो जाए। ऐसे ही भाजपा की भी सूची जारी होगी लेकिन उसके पहले तमाम नेता भगवान को मनाने के लिए उनके दर पर जा रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर हम आपको वरदान एक्सप्रेस के माध्यम से ये दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से निधि सत्व चतुर्वेदी यहाँ पर अभिषेक कर रही हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न कर रही हैं। श्रावण का माह है, अभी चल रहा है और ऐसे में भोलेनाथ को मनाने के लिए नेताओं का दौर लगातार जारी है। ये मतंगेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरें वरदान एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से निधि सत्व चतुर्वेदी महादेव मंदिर को, महादेव के जो भोलेनाथ हैं उनको मनाने का प्रयास कर रही हैं और जब कांग्रेस की सूची जारी हो तो कांग्रेस महाराजपुर विधानसभा से निधि सत्व चतुर्वेदी का नाम शामिल हो वही कयास लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर निधि सत्व चतुर्वेदी लगातार भोलेनाथ को मनाने के लिए मंदिर में पहुंची हुई हैं। तो ये तस्वीरें वरदान एक्सप्रेस ने आपको दिखाई हैं मतंगेश्वर महादेव मंदिर की, जहाँ पर निधि सत्व चतुर्वेदी यहाँ पर अभिषेक कर रही हैं और अब कुछ समय बाद या कहें कुछ दिनों बाद कांग्रेस की पहली सूची जारी होगी। तो देखना होगा कि कांग्रेस की सूची में छतरपुर जिले की 6 विधानसभा में से कहां की सीट पर कौन से प्रत्याशी कांग्रेस उतारने जा रही है। कैमरामैन छोटू शुक्ला के साथ वरदान एक्सप्रेस के लिए लोकेश चौरसिया।